हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो दुर्गा मूर्ति है, इसको मैंने इसके पहले वाला वीडियो में मैं इसको एक बार मिट्टी लगाया हूँ, और आज मैं इसको डबल मिट्टी लगाऊंगा, और इसी में आज हम पूरा डिटेलिंग करेंगे। और ये देखिए, मूर्ति पूरी तरह से सूख गया है। अब इस पर हम दोबारा मिट्टी लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए, ये दुर्गा जी का फेस है और ये महिषासुर का। और जो लोग फेस मेकिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके आप दुर्गा जी का फेस मेकिंग और महिषासुर का फेस मेकिंग दोनों वीडियो अपलोड किया हुआ है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले, जैसे कि डबल मिट्टी जो होता है, पहले वाला जो मिट्टी हम लगाए थे उसमें क्या किए थे, चिकना मिट्टी, लेकिन डबल मिट्टी में हम क्या करेंगे, एक बालू टाइप का मिट्टी आता है उसको हम लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो मिट्टी है ये बालू मिट्टी है। ठीक है, तो सारा बॉडी में लगाने के बाद थोड़ा बहुत क्रैक आएगा, तो उसको मैं ठीक करके दिखा दूंगा आप लोग। तो चलिए, सबसे पहले मुंडी को लगा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या क्या करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले महिषासुर का हम पूरा बॉडी को बनाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम है, इसलिए सबसे पहले इसी को हम करेंगे एंड इसके बाद लाइन को, और लास्ट में दुर्गा जी को कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे। ठीक है, पानी लगाने के बाद अब इसका फेस को हम लगा देंगे। देखिए, फेस का जो डायरेक्शन होगा, मान लीजिए मतलब ये जो लाइन है, लाइन और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से फेस भी बनाना होगा। मुंडी हमारा लग चुका है, अब हम इस पर डबल वाला मिट्टी लगाएंगे, एकदम पतला पतला लगाएंगे, ज़्यादा मोटा नहीं। इस तरह करके पहले इसका छाती का जो मसल्स है उसको हम कुछ इस तरह करके बना लेंगे। ऐसा मिट्टी लगा दिया, अब इसका जो पैक है अभी जहाँ जहाँ जिस तरह मिट्टी लग रहा है, हम उसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी लगा रहा।
सो फ्रेंड्स, फाइनली जो डबल लेयर का मिट्टी था वो कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम माँ दुर्गा का जो उंगली होता है उसको हम लगाएंगे, और जहाँ जहाँ क्रैक आ गया उसको भी हम उस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ सामने से।